टीम इंडिया ने 3 वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया। रांची में मिली इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है। साउथ अफ्रीका के कप्तान केशव महाराज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और उनकी टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 268 रन बनाए। सबसे ज्यादा रन एडन मार्करन के बल्ले से निकले। उन्होंने 89 बॉल पे 69 रन की पारी खेली।